मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। क्या नाम है इस मंदिर का और कितना पुराना मंदिर? ये मंदिर का नाम है प्राचीन श्री हनुमान मंदिर। ये लगभग 7 जनरेशन का तो पता है, उससे पहले का है। लेकिन ये दक्षिण मुख की हनुमान जी का मंदिर है, इसमें भगवान की श्रद्धा, मतलब भगवान पे श्रद्धा है वो पूरी होती है। जो भी आस्था है वो सब अपनी आस्था के ऊपर आते हैं, जैसे लोग काम काज के करने के बाद ही करते आते हैं। ये जितना ही पुराना मंदिर है उतना ही अच्छा मंदिर है और प्राचीन है। कि आप एक बार इस मंदिर में दर्शन करने की जरूर आए और मान्यता जो भी हो आपकी पूरी कि जितने मुरादाबाद के लोग हैं वो इस मंदिर में अवश्य आए। मंडे के मतलब ट्यूसडे के दिन जरूर आए। ट्यूसडे के दिन हनुमान जी का एक खास दिन होता है, इसलिए मंदिर आना चाहिए। ज़्यादा होते हैं ना, ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। छोला चढ़ा सकते हैं, माला चढ़ा सकते हैं, पान चढ़ा सकते हैं और तेल लगा सकते हैं इसका, चमेली का। हमने शक्ति कर रखी थी इसलिए ज़्यादा नहीं है। हमारे पापा, भैया और मामा जी। पवन कुमार जयकवाल, हटीले हनुमान जी बालाजी मंदिर कचहरी रोड। क्या मान्यता है यहाँ की, कितना पुराना? 80 साल पहले गोपालगिरी बाबा जी आए थे, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी और 40 दिन की समाधि ली थी इधर जी। ये है और क्या क्या मान्यता है? मनकामना पूर्ति होती है
और श्रद्धालु आते हैं। कितने श्रद्धालु सुबह शाम आते हैं? मंगल और शनिवार के दिन भीड़ ज़्यादा होती है। लगभग कितनी भीड़ होती है? 1,500-2,000 करीब। किस तरीके से बाबा की पूजा अर्चना की जाती है? चोला चढ़ा के। जी हाँ, चोला। श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल वाले? दर्शन आए, दर्शन के लिए आए और मनोकामना पूरी होती है। कोई ऐसी भी कोई खास बात कोई है कि यहाँ पे लोगों की मनोकामना पूरी होती है? जी हाँ, कई हैं। कटघर के लाला आते हैं, उन्हें 28-29 साल हो गए। उन्होंने इच्छा मांगी थी उनका लड़का हो, दो लड़की के बाद लड़का हुआ। यहाँ पे गाजियाबाद वगैरह के जो चले जाते हैं वो आते हैं, दर्शन करने जरूर आते हैं। मतलब रोज ही आते हैं या कभी कभी? एक डेली डेली कटघर से और गाजियाबाद से बता रहे हैं। हाँ, जो कभी आते हैं इधर से, जो चले जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं तो आते हैं। कभी भी इधर रिश्तेदारों मिलने आते हैं तो जरूर होकर जाते हैं। मतलब बाबा के दर्शन करने जरूर है कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? जी हाँ। लगभग कितने लोगों की मनोकामना आज तक पूरी हुई होगी? काफ़ी की होगी। Thank you.
ये मनोकामना श्री हनुमान मंदिर है, रेलवे कॉलोनी मुरादाबाद में है। क्या मान्यता है इसकी? मान्यता मन की कामना पूर्ण करने वाला, मनोकामना का मतलब मन की अरदास पूरी करने वाला। कोई परेशानियां है, कोई किसी की संतान की मतलब आपत्ति है, कोई धन की आपत्ति है, कोई पारिवारिक संबंधों में आपत्ति है, रज और रिद्धि और सिद्धि को देने वाला, मन शांत करने वाला मनोकामना मंदिर है। मन की कामना को पूर्ण करने वाला मंदिर है ये। यहाँ लगभग 100-150 सुबह, 100-150 शाम को दैनिक आते हैं। मंगल के दिन 500-700 मतलब शाम को, इसी तरह मतलब 400-500 सुबह। हाँ जी, श्रद्धालुओं से हम यही निवेदन करेंगे कि अपना मतलब मंदिर में मतलब आए और भक्ति भाव से जो अपना संकल्प है वो यहाँ पूरा करके, और मंदिर में स्वच्छ वातावरण, जैसे मास्क का मतलब कि प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग सब मंदिर में व्यवस्था है। अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क नहीं होता है, अचानक आ जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ मंदिर कमेटी समिति ने मास्क का प्रबंध कर रखा है और सैनिटाइजर लगी हुई है। पंडित जी, जैसे आपने कहा मंगल को 500-700 जी, तो मंगल को ऐसे क्या दिन होता है? मंगल के दिन यहाँ हनुमान जी का तो दक्षिण मुखी हनुमान है मुरादाबाद में, या लगभग हर जगह दक्षिण मुखी हनुमान कम मिलते हैं। उनकी पंचमुखी स्थापना मुखी मतलब मिट्टी में स्थापना हो करके ये मूर्ति जो है हनुमान बालाजी की, ये दक्षिणमुखी है। दक्षिणमुखी हनुमान की पूजा करना अति शुभदायक और फलदायिनी मतलब की पुण्य देते हैं ये। हनुमान चालीसा सुंदर कांड ये हनुमान चालीसा सुना देंगे। हनुमान चालीसा 108 बार एक बार कर ले तो उसका बेड़ा पार। अगर अब दक्षिणमुखी हनुमान जी के सामने में 108 बार हनुमान चालीसा, अथवा 21 बार सुंदरकांड का पाठ जो तन से मन से धन से अगर करते हैं, तो आपका मतलब उनका बेड़ा पार हो जाता है। ये लगभग 100 साल से ज़्यादा है, 100 साल से अधिक का है। ये बरगद और पीपल का पेड़ है यहाँ पर, ये अपने आप पैदा हुआ, किसी ने लगाया हुआ भी नहीं है, ये अपनी ही उससे प्रकट हुआ है। इधर का बड़ है और उधर का पीपल है, इसी के अलग अलग मतलब भाग गए, इधर पीपल इधर ब्रह्म मतलब बरगद का पेड़, इसकी ही बहुत मान्यता है इस मंदिर में। हनुमान जी की मान्यता है ही, और इसमें साथ में मतलब कि बरगद और पेड़ की मान्यता भी अधिक है। हाँ, श्री गुरु चरण सरोदन जमनम गुरु सुधार बल लव रघुवर सुधाय बल चार बुद्धि तुम दान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव में हरो करे स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी तुम लोग सागर राम दूत तुरंत बल धाम आंजनि पुत्र बल सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवास सुमति के संगी कंदन बल विदास वे साकान कुंडल कुंडल के रात मन ध्वजा विदा वे कहाँ देव दिन उदा चंगल शोन की श्री मन का महाजग बंधन विद्यावान गुणी सातु राम काल करिए एक बार प्रभु सत सुनि वे गुरु सिया राम लखन सीता मन सिया श्री गुरु धै सि हे दिखावा विकट रूप धरि लंग धरावा भीम रूप धरि सुर संहारे राम को एक आसवा इलाह जीव लखन जाय श्री रघुवीर हरि वाये प्रभु सुनि वे गुरु सिया राम लखन सीता मन सिया श्री गुरु धै सि हे दिखावा विकट रूप धरि लंग धरावा भीम रूप धरि सुर संहारे राम को एक आसवा जय 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 हनुमान कुशाई कृपा करो गुरुदेव नाही जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी मास हुई जो यह पड़े हनुमान चालीसा दिशा की करी सा लाल देह लाल से लाल अंगूर बज देह दान दल जय 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 कवि सुर सियापति रामचंद्र पद से शंकर हरि ओम जय जय सिया राम राधे घनश्याम। Thank you.
कैलाश मुरारी। पंडित ये मंदिर मुरादाबाद शहर में सिविल लाइन स्थित पीली कोठी पर स्थित है और सत्यश्री शिव मंदिर। यहाँ पहले गौशाला हुआ करती थी, जो सत्यवती एक ब्राह्मणी चलाती थी, उनके पति देव रविदत्त शर्मा जी हुआ करते थे और उन दोनों के नाम से ही सत्यश्री शिव मंदिर इसका पड़ा हुआ है। और यहाँ की मान्यता ये है कि भक्त लोग आते रहते हैं। ये मंदिर तो करीब 80 साल पुराना मंदिर है, लेकिन तब सिर्फ शिवलिंग ही यहाँ पर स्थापित थे और जो सामने हैं और क्या कहते हैं, उसके बाद उन्नीस सौ चौरानवे में श्री शिवनारायण टंडन जी एक यहाँ जल निगम में इंजीनियर थे, उन्होंने इसका फिर दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया और समिति बनाई, सभी आवास विकास के कई काफ़ी लोग इसमें जुड़ गए, सभी लोगों ने आज तो एक श्रद्धा का पूरे शहर में केंद्र बना हुआ है और शनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या महानता है इस मंदिर? महानता यही है कि हम देखते हैं आए दिन यहाँ पर दीन दुखी लोग आते हैं, आसपास में अस्पताल भी हैं तो उनके तीमारदार लोग आते हैं तो देखते हैं कि वो लोग बेचारे मन्नत मांग के जग गए होंगे और बताते हैं कि हमने ये मांगा, हमारा बच्चा ठीक हो गया, और कोई कहता है हमारे पिता ठीक हो गए, तो हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है इसमें। श्रद्धालुओं से कि कोरोना काल आया, बहुत त्रासदी इसमें हुई है और इसमें बहुत लोगों को परेशानी आई, अस्पताल में जगह कम पड़ गई, कुछ लोग बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए। अब धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा हो रही है कि सब ठीक होने जा रहा है, सब लोग और इसमें सहयोग करेंगे जैसे सोशल डिस्टेंस का, और तो इसमें और हमें मदद मिलेगी। इस समय की स्थिति यह है कि आज सरकार की तरफ से बयान आया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6 केस आज नए आए हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि अब हम स्वास्थ्य वर्धन की तरफ बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। शनि मंदिर यही यहाँ का आस्था का विशेष केंद्र है क्योंकि यहाँ सब लोग 40-40 दिन के दिए जलाते हैं, दिए जलाने से उनकी मन्नत पूर्ण होती है, फिर वो लोग खिचड़ी का भोग आए दिन यहाँ भंडारा होता है। वैसे तो जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी त्यौहार आते हैं सभी में ही भीड़ रहती है और जब शनि अमावस्या आती है तो विशेष भीड़ रहती है, और शनि जयंती, शनि अमावस्या, शिवरात्रि है, नवरात्रि आ रही हैं आगे, तो सभी दिन भीड़ रहती है। नवरात्रि में हम लोग जौ बोते हैं, देवी का पाठ करते हैं और महिलाएँ शाम को कीर्तन करती हैं और विशाल भंडारा होता है।
बाबा जी क्या नाम है आपका? अभय गिरी। बाबा जी किस नाम से मंदिर जाना जाता है? ये नागा मिश्री टीला के नाम से जाना जाता है, लालबाग श्री महाकाली माता मंदिर से जाना जाता है। मतलब कितना पुराना मंदिर है ऐसे? देख शक्तिपीठ तो बहुत पुरानी है, उसका सही आकलन नहीं किया जा सकता, मगर ये जगह मुगल शासन काल से ये मिश्री नागा बाबा जी के। लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं बाबा जी सुबह शाम? अरे कोरोना के हाल तो जानते ही, वो तो बीत गया, वर्तमान में ये बहुत ही फेमस मंदिर है तेरे मुरादाबाद पूरे मंडल का, और विशेष भीड़ तो नवरात्रों में होती है, और भगत तो हजारों भगत दर्शन करके चला जाता है। बाबा जी सुना है कि यहाँ पे जिसकी जो मतलब आते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती जी है? जी हाँ, ये सच्चों की मैया है, फेस टू फेस टॉक, अगर करना चाहे अगर भगत है तो मेरी मैया दो मिनट में दो सेकंड में खुश होकर बात करने लगती है, ये ऐसी मैया है, सब कुछ जी सब कुछ बता देती, समझने वाला भगत चाहिए। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो आंधी आए तूफान आए मगर फिर भी उन्हें आना ही आना है दर्शन करने। ये सही बात है, मेरी मैया अपने भगत को तूफान से भी बुला लेती है कुछ सुनने के लिए, उनके दर्शन जो उनके भक्त जी हाँ है, वो करते बहुत करते बहुत जटिल हैं भगत, कुछ आएंगे कुछ ऐसे भगत हैं मेरी मैया को दूर से प्रणाम करके निकल लेते हैं, अंदर आते ही नहीं, इतना देख मेरी मैया को जो जितना सम्मान देता है मेरी मैया समाज में उतना ही सम्मान उस भक्त को देती है। कोई ऐसे भक्त मतलब जिनकी मनोकामना पूरी हुई हो और वो? या सच बताएं मेरी मैया की मनोकामनाएं रोज पूरी करती है, और सुबह 5 बजे खुल जाता है मंदिर, मेरी मैया फरियाद सुनना और फरियाद पूरी करना चालू कर देती है। पंडा जी ये जो मूर्ति है ये जो मूर्ति क्या है मतलब कौन ये है? ये चल तू यहाँ कहाँ चल बता 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 इनके बारे में जानकारी जो है, जब अंग्रेजों का जमाना था तो मुसलमान लोग कह रहे थे हमारी मस्जिद है और बाबा जी कह रहे हमारा मंदिर है, तो बाबा जी ने मिट्टी की डेरी उठा कर दी, तो वो मिश्री मीठा मीठा उनका मुंह हो गया, तो जब से मिश्री गिरी का टीला बाबा जी को लगाया। यहाँ का जो मुस्लिम इस प्लेस को अपना कहता था कि मेरा मेरे कब्रे है मेरा है, मगर ये जब यहाँ जंगल था जानते हो नागा वगैरह गुप्त रहते हैं, तो उन्होंने इन्होंने कहा नहीं ये हिंदुओं का है, तो उसका यहाँ डीएम और एसडीएम आया था जिसने साबित करने के लिए, साबित वही हिंदू हुआ, तो ये टेंशन में हुए ये उठे और मट्टी उठा के दी, कहना अब मैं जहाँ तक चलूँगा वो सब मेरा होगा, मिश्री हद है उसकी सीमा यार सरकार जानती है। अच्छा बाबा जी ये बाबा जी उनके बारे में जानकारी दी, ये आपके शिष्य हैं आपके आपने लगाम आपको दिया इन इन बाबा जी की जानकारी ये श्री ये जूना अखाड़े के पूर्व सेक्रेटरी हैं ओंकार गिरी जी नाम है आपका, ये सब ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के, और उन्होंने इस मैया और सौ में उसके बाद आपने किया। इन बाबा जी का क्या नाम? श्री श्री 1008 श्री कृष्णागिरी जी पूरा मुरादाबाद सभी जानते हैं। अच्छा बाबा जी आप कितने समय से मतलब मैया जी का अपने यहाँ पे पूजन कर रहे हैं? क्या सच बताएं मैं आया तो आपके भी है समय में, मगर ये सौभाग्य समझ या नसीब में है कि आपके शिष्य जो है जो वो दत्तात्रेय के आगे मूर्ति बनी है वो आपके शिष्य हैं श्री कृष्णागिरी जी के, शुक्ला जी के नाम से सीनियर जी के नाम से यहाँ लोग जानते हैं, और मैं उनके शिष्य का शिष्य हूँ। कुछ ऐसा भी है कि काली जी की पूजा करने के बाद भैरव बाबा की पूजा करना मतलब बहुत जरूरी है? तो देख मैया के साथ है, आगे श्री हनुमान जी रहते हैं और पीछे श्री भैरव जी रहते हैं अपने पूरे शिष्यों के साथ, इस मैया के साथ तो 24 घंटा रहते हैं कहीं जाते ही। तो बाबा जी बताओ आपने अपना पूरा जीवन मैया के नाम लिख दिया? हाँ ये समझ ले मिश्री टीला के नाम से समझ
मैया देखो आपके दरबार लखनऊ में है, बनारस है, एक कानपुर में बनाया था आपने, ये सब आपके बनाए हुए दरबार हैं जो हम बता रहे हैं। लखनऊ में है, बनारस में ताज होटल के जस्ट बगल में है, बरना के किनारे। बाबा जी आज मीडिया ग्रुप के द्वारा आप जितने भी आपके मान्य हैं जो लोग हैं पूजा करते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सच बताएं, नवरात्र का मतलब हमारी समझ से बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है और हिंदुत्व को सामने फ्रंट पे रखना है। आई मीन्स नहीं समझे, ये मंदिर वर्ण विशेष पे नहीं चलता है, ये हिंदू पे चलता है। और यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं जी, मुस्लिम भी आता है जी, जी। मेरी मैया का सम्मान मुस्लिम बहुत करता है ये ना समझना। मेरा एक गौ लगाने आता था वो चप्पल उठा के वहीं से किनारे किनारे निकल के तब गौशाला जाता था। तो एक दिन हमने कहा यार देख इतने चले आते हैं, कहा नहीं बाबा मेरे दादा बता के गए मिश्री टीला ऐसे तो जाना नहीं, जब कोई काम हो तब जाना, वो भी नहीं तो अहित हो जाता है। मुस्लिम कहता अगर यहाँ फालतू या वैसे आया उसका अहित हो जाता है। बाबा जी आज मीडिया ग्रुप से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल परोहा। लगभग कब से यहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मेरे को यहाँ भी 5 साल हो गए। कौन सा मंदिर है, किस नाम से ये? साई करुणा संस्थान दीनदयाल नगर मुरादाबाद के नाम से, हमारे मुरादाबाद में पूरे क्षेत्र में फेमस मंदिर है। पंडित साई बाबा के बारे में कुछ बताइए। साई बाबा एक हमारे सद्गुरु थे, इनकी पूजा हम एक संत के रूप में करते हैं। जिस प्रकार हम एक संत की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमारे साई मंदिरों में बाबा की सेवा की जाती है। ये सद्गुरु थे जी। इनकी जो पालकी निकाली जाती है तो क्या होता है? पालकी में बाबा का पूजन होता है, द्वारिका माई से पालकी ले जाई जाती है, पालकी नगर भ्रमण करके वापस आती है, उसके बाद उनका चावड़ी में पूजन होता है, उसके बाद वापस फिर वो अपने स्थान में जाते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु होते हैं उसमें? पालकी में तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु हो जाते हैं, मतलब कई हज़ारों में उसमें संख्या हो जाती है। अब ये कोरोना पीरियड में तो अभी हमारे यहाँ बंद ही है पालकी, नहीं तो हर महीने भी छोटी पालकी निकलती है, वो यहीं पास में ही मंदिर के अंदर ही घुमाई जाती है, बाकी गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी पालकी निकलती है। साईं बाबा की मेन मान्यता क्या है? बाबा एक संत थे, सभी लोग बाबा को मानते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। लगभग कितने लोगों की मनोकामना पूरी हो चुकी है? अब यहाँ पर तो कोविड से पहले हर गुरुवार कम से कम 5,000 के आसपास भक्त आते थे, केवल गुरुवार के दिन ही, और उसमें से अधिकांशतः लोगों की मान्यता पूरी होती है। मतलब लोगों ने बताया आपको कि हाँ, हमारे बिल्कुल 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 काफ़ी लोग आप अगर मंदिर है, वो किसकी कॉपी है? ये हमारा मुरादाबाद मंदिर जो है ये शिरडी की कॉपी बनाई गई है। ये जो भी पूजन हमारे मंदिर का होता है ये शिरडी के अनुसार होता है, हूबहू। जैसे शिरडी में 4 आरती होती हैं वैसे ही हमारे यहाँ होती हैं। बाबा की रात में शयन आरती करके मच्छरदानी लगाना पूरा, मतलब एक संत की जिस प्रकार हम सेवा करते हैं उसी प्रकार पूरा और आगे बाबा इच्छा से होता है हर चीज़ जी। यहाँ पे बाबा के लिए क्या क्या बनाया गया है, दर्शाने के लिए क्या करते थे? बाबा का आप सामने देख रहे हैं, जो आपने पहले देखा है ये समाधि मंदिर है, मैन मूर्ति जहाँ बाबा ने सीढ़ी में समाधि ली थी वो समाधि मंदिर बनाया गया है। उसके बाद बाजू से ये छावड़ी बनाई गई है। बाबा जिस स्थान में हम ये खड़े हुए हैं ये द्वारिका माई है, जहाँ बाबा रहते थे, बाबा ने यहाँ निवास किया तो ये वो स्थान है। उसके बाद बाबा विश्राम करने बीच बीच में जाते थे चावड़ी, कभी वहाँ विश्राम करने जाते थे तो वो बनाया गया है। आप मंदिर के पीछे जाएंगे तो बाबा की वाटिका बनी हुई है, उसमें गुरु स्थान नंदादीप एक जगह गुरु स्थान है, जहाँ खोदने पर दीपक जलते हुए मिले थे, बाबा ने बताया था कि ये मेरे गुरु का स्थान है सीढ़ी में, तो उसको वापस वैसे ही बंद कर दिया गया था, वो भी हमारे मंदिर में। अच्छा, किस ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया मंदिर? ये हमारे गुरुजी सी बी सतपति जी के सानिध्य में बना हुआ है। अच्छा, एक रास्ता ये ऊपर से नीचे जा रहा है जहाँ वो खाली है, कहाँ पर जीने जा रहे हैं ऊपर से मंदिर से, वो वहाँ पे नीचे क्यों नहीं कुछ बनाया गया? वो नीचे पहले जब हमारी द्वारिका माई ये नहीं बनी हुई थी, ये 2016 में बनाई गई है, इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो 2016 में हुई है। इसके पहले हमारी द्वारिका माई नीचे थी, अब उस पर अभी काम चल रहा है। उसमें जैसे अभी हमारे यहाँ लोग साईं सच्चेत का पाठ द्वारिका माई में बैठ के करते हैं, अब गुरु भागवत हो गई, गुरु जी के द्वारा लिखी हुई हैं, गुरु भागवत हैं, साईं सच्चरित्र है, उसके पाठ के लिए नीचे परायण कक्ष बनाया जा रहा है, तो अभी उसमें काम चल रहा है, इसीलिए लोगों को एंट्री अभी नहीं दी जा रही है। बाबा जो भी कार्य करते थे वो कार्य यहाँ पे सभी दर्शाए गए जिस तरह से क्या? हाँ जी, हर चीज़ दर्शाया गया, आप देख सकते हैं जैसे बाबा चक्की में आटा पीसते थे तो वो चक्की दर्शाई गई है, बाबा अनाज रखते थे बाबा का अनाज रखा हुआ है, अंदर बाबा का घड़ा रखा हुआ है, बाबा खाना बनाते थे तो चूल्हा बाबा का दर्शाया गया है, जो ये दीवार में खाने दर्शाए गए हैं, यहाँ बाबा दीपक जलाते थे, यहाँ बाबा दीपक जलाते थे, हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ बाबा दीपक जलाते थे, बाबा तुलसी का पेड़ लगाते थे तो वहाँ तुलसी के लिए स्थान बनाया गया है। अच्छा, तुलसी का पेड़ बाबा? हाँ जी हाँ जी, मतलब बिल्कुल वैसे ही बना रखा है कि जैसे बाबा जी। हाँ जी, बाबा जैसे अपने जीवन में रहते थे जो जो चीज़ वो इस्तेमाल करते थे, ये देखिए आप बाबा ऐसे पत्थर पर इसमें लिखा हुआ है, बैठकर स्नान करते थे वो दर्शाया गया है, बाबा वहाँ बैठते थे वो पत्थर दर्शाया गया है, वो जो पत्थर ये थे बाबा जी। हाँ जी, यहाँ खड़े होकर के बाबा उदी बांटते थे भक्तों को। उदी क्या है? मतलब उदी मतलब विभूति।
जो ये धुनी माई है जी, बाबा धुनी माई जलाते थे, आप देखेंगे धुआं दिख रहा होगा इसमें जी। ये 24 घंटे हमारे यहाँ जलती हैं जी। ये बाबा के क्या है? ये बाबा के चरण है, ये कोविड के कारण अभी बंद करे गए हैं, नहीं तो ये सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुले होते हैं। अभी कोविड गाइडलाइन के कारण सभी लोगों को बिना मास्क के बिना सैनिटाइजर यूज़ किए अंदर प्रवेश वर्जित है हमारे मंदिर में।